लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। तीसरे चरण में प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को मतदान दल सामग्री लेकर रवाना भी हो गए। वोटिंग के लिए लगाए गए कर्मचारियों के लिए हेल्थ किट से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था तक की गई है। देखिए रिपोर्ट। कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित कर पोलिंग बूथों पर रवाना किया जा रहा है, जहां बैतूल जिले की 5 विधानसभा में 1581 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 12,36,315 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार 36,684 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। जिले के 371 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। जिले में मतदान के दौरान पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत जिले में 5,590 पुलिस बल नियुक्त किए गए हैं। वहीं मतदान दलों की निगरानी के लिए 179 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी और SP निश्चल झारिया ने जानकारी देते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए 1,095 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और 129 CCTV कैमरों के साथ ही 45 वीडियोग्राफर्स के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। गर्मी को देखते हुए मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने मेडिकल इमरजेंसी की विशेष व्यवस्था भी की है। देखिए, लगभग 1580 जो दल बने हैं उसमें 20% से अधिक के हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में अब जो हमारे मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर जा रहे हैं, पूरे जिले में और हरदा और महसूद में भी मतदान सामग्री का वितरण 100% हो चुका है। सारे मतदान दल अपने सामग्री का मिलान कर रहे हैं। पुलिस बल का वितरण भी हो रहा है। जैसे ही बिल्कुल आधे पौन घंटे में सभी दल अपने मतदान दल की ओर मतदान के लिए रवाना हो जाएंगे और इस तरह से लोकतंत्र के पर्व को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूरे जिले में 1581 बूथ है। इन सभी बूथों पर लगभग 5,590 अधिकारी कर्मचारियों का बल लगाया गया है और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा EVM के साथ पूरा बल जो है अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो रहा है और हर प्रकार का बल इसमें लगा हुआ है। इसमें CAPF भी लगे हैं, SAF भी हैं, जिला पुलिस बल भी है, होमगार्ड भी है, उसके अलावा विशेष पुलिस अधिकारी भी इसमें बड़ी संख्या में लगभग 2,000 की संख्या में इसमें लगाए गए हैं। और जैसा हमारे ज़िले में चूँकि वन का जो है वो फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लगभग 74 बूथ थे जहां पर कम्युनिकेशन की स्थिति नहीं थी। लगभग 80 कर्मचारी हमने वायरलेस सेट के साथ लगाए हुए हैं जो पूरा कम्युनिकेशन हमारा सुचारू रूप से स्थापित करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से और जो पूरा बल लगा हुआ है और जो पूरे कर्मचारी जो लगे हुए हैं मतदान में, हम बड़ा सकुशल तरीके से और बहुत अच्छे से हम इस मतदान को संपन्न करवाएंगे। बता दें कि प्रदेश की 9 सीटों पर कुल 1,77,52,583 वोटर्स मतदान करेंगे। जिस मतदाता को वोटर पर्ची नहीं मिली है, वह ID कार्ड से अपने मतदान केंद्र के BLO के पास से उसे ले सकते हैं। वोटर्स 13 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर वोट कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।